सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग सामाजिक राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र। और लोकतंत्र के तहत आज हम लोग लोकतंत्र के अर्थ एवं स्वरूप को देखेंगे। देखिए, लोकतंत्र यूपीएससी या यूपीपीसीएस या भारत के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी एग्जाम हो, लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में हम हर जगह उपस्थित रहता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र पर, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, पॉलिटिक्स हो, संविधान हो, लोक प्रशासन हो, बहुत सारे विषयों में लोकतंत्र आता ही आता है। और खासकर यूपीएससी में लोकतंत्र पर दार्शनिक अंदाज में भी प्रश्न आते हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। जैसे केवल राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाना ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होता है, इस प्रश्न का विश्लेषण कीजिए। अब जाहिर सी बात है, यह प्रश्न इस तथ्य की मांग कर रहा है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता, उसके साथ लोकतंत्र के अन्य स्वरूप भी जब जुड़ते हैं तभी हम बोलते हैं कंप्लीट डेमोक्रेसी। अब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें हम क्या क्या और जोड़े, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं है। सरकार जनता से बन जाए, जनता के वोट से बन जाए, वोट किस प्रकार से लिया गया यह लोकतंत्र को विकृत कर रहा है, विरोधाभास है। आज अपने इस लेक्चर में मैं इसी बात को क्लियर करूंगा और लोकतंत्र के प्रति जितने भी प्रश्न हैं, हालांकि लोकतंत्र के मैं कई सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर लूंगा, आज हम लोग लोकतंत्र की अवधारणा को यहां क्लियर करेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आज हम यहां समझ लेंगे। इसके बाद अन्य लेक्चर्स में हम लोकतंत्र को, अन्य तत्वों को बड़ा विस्तार से बताएंगे। आज हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है और लोकतंत्र के स्वरूप क्या क्या है, आज हम लोग इसमें यही जानेंगे। देखिए, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया। अर्थात डेमोस का मतलब होता है जनता या प्रजा, क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति। तो यहां डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जनता की शक्ति, प्रजा की शक्ति या जनता का शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो प्रजा की शक्ति या जनता का शासन हुआ। अगर उसी प्रकार हम लोकतंत्र का संधि विच्छेद करें तो लोक प्लस तंत्र, लोक माने जनता या प्रजा, तंत्र माने व्यवस्था, यानी जनता की व्यवस्था या प्रजा का शासन या जनता का शासन। अगर यह देखा जाए तो चाहे वो हिंदी का शब्द हो, चाहे वो इंग्लिश का शब्द हो, दोनों इस बात को बता रहे हैं कि लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ हुआ उसका मतलब हुआ जनता का शासन या जनता की व्यवस्था, प्रजा का शासन या प्रजा की व्यवस्था। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता शासन करती है, या दूसरे शब्दों में यह कहें
कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जैसे आप अगर स्विट्जरलैंड के लीजिए तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। छोटे छोटे राज्य हैं, कैंटोन, छोटे छोटे कैंटोन है, वहां पर जनता स्वयं जुटती है और अपने अपने अधिकारियों का, नेताओं का सब चुनाव कर देती है। उसको एक लंबी प्रक्रिया है, उसका विस्तार से बात किया जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अलग से बात किया जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े देश होते हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। वहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, केंद्र में सांसद, राज्यों में विधायक। सांसद जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो विधायक बहुमत दल के नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य चलाता है, प्रधानमंत्री देश चलाता है, केंद्र सरकार चलाता है। यानी इनडायरेक्ट वे में जनता शामिल हो रही सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में सम्मिलित होता है। ये एक और बात। दूसरी बात, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। अंतिम संप्रभुता जो होती है वो जनता में निहित होती है। जैसे जब भारत का संविधान बना तो आप देखेंगे उद्देशिका का प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये इस बात को बता रहा है कि संविधान की जो असली शक्ति वो जनता में निहित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत। ये बता रहा कि पहली बात तो बता रहा कि अंतिम प्रभुसत्ता या संविधान की अंतिम शक्ति वो जनता में निहित है। दूसरा बता रहा कि जो संविधान का निर्माण है वो जनता द्वारा किया गया, हालांकि वो तो संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का चुनाव में बहुत सारी जनता भाग भी नहीं ली थी। इसके बाद भी चूंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसलिए बताया गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम प्रभुसत्ता किसके में निहित होती है? अंतिम प्रभुसत्ता माने अंतिम रूप से आज जो पावर हुआ उस वो जनता में निहित। यही लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है और जनता के नाम से ही शासन का संचालन होता है और जो सरकार होता है वो प्रतिनिधि के रूप में शासन करती है। यही कारण है लोकतंत्र के महान विचारक और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए कहा था, लोकतंत्र जो है वो टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। उन्होंने लोकतंत्र को टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन कहा। टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, किसको कहा था? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं, राजा महाराजा के लिए नहीं है, किसी मंत्री संतरी के लिए नहीं है, किसी तानाशाह के लिए नहीं है, किसी बादशाह, सुल्तान, सम्राट के लिए नहीं है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। अब आपको यह लगता होगा कि लोकतंत्र क्या है? 5 साल में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद सरकार बन गई, बस लोकतंत्र में इतिश्री हो गया। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। केवल राजनीतिक लोकतंत्र लोकतंत्र का दायरा या मानक नहीं है। किसी देश में 5 साल में आवधिक चुनाव हो जाए, सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलने लगे, क्या यही लोकतंत्र होता है? क्या लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था केवल राजनीतिक आयाम को ही स्पर्श करती है?
सामाजिक आयाम नैतिक आयाम आर्थिक आयाम का कोई मतलब नहीं। एक मजदूर जिसका पेट नहीं भरा है, एक किसान जिसका पेट उस अन्न से ही नहीं भरा जिस अन्न को वो पैदा कर रहा है, एक रोगी जिसको तत्काल उपचार की जरूरत है, धन नहीं है, सरकार का उसके लिए कोई माने नहीं। एक भूखा व्यक्ति जो चार दिनों से भूखा है, उसके लिए लोकतंत्र का कोई माने नहीं है। सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसका भूख ना मिटे, जब तक कि एक किसान को अपने अन्न का समुचित दाम ना मिले, जब तक कि महिलाओं को सुरक्षा ना मिले, जब तक कि सामाजिक भेदभाव ना दूर हो, जब तक कि मनुष्य को गरिमा मैं ना माना जाए। हर मनुष्य गरिमामय है, हर मनुष्य का सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। सरकार बन जाने से क्या आत्मसम्मान आ गया? सरकार बन जाने से क्या सबका पेट भर गया? वोट की राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय भाषा क्षेत्र के आधार पर देश के खंड खंड किए जा रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी के आधार पर जनमत की सरकार की स्थापना हुई थी इसी के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर लोकतंत्र का मायने क्या है वो बताएगा लोकतंत्र का स्वरूप। देखिए, लोकतंत्र के कई स्वरूप हैं और उसी आधार पर जो लोकतंत्र का गठन होगा, तब दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डेमोक्रेसी, संपूर्ण लोकतंत्र। और लोकतंत्र केवल इन समस्त अवधारणाओं की स्थापना से ही नहीं मिलेगा। लोकतंत्र तो तब होगा जब उन लोकतांत्रिक विचारधाराओं को प्रत्येक व्यक्ति धारण करे। ऐसा नहीं कुछ लोग लोकतांत्रिक विचारधाराओं को धारण करें और कुछ लोग बदमाशी करें। लोकतंत्र की अवधारणा केवल राजनीतिक आधार को ही नहीं धारण करती है, लोकतंत्र की अवधारणा समाज के प्रत्येक पक्ष को, समाज के जितने भी पक्ष आप दिख रहे हैं, हर पक्ष को धारण करती है। और ऐसे अर्थों में लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं रह जाता है, बल्कि जीवन प्रणाली बन जाती है। लोकतंत्र का प्रत्येक स्वरूप लोकतंत्र की अवधारणा को धारित करता है, प्रत्येक बिंदु तक धारण करता है। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र यह बता रहा है कि सरकार का निर्माण जनमत के आधार पर होना चाहिए, राजनीतिक लोकतंत्र। जैसे आप जाते हैं, वोट डाल के चले आते हैं, कोई बहुमत पा जाता है, पार्टी सरकार बना लेता है, आपको लगा कि ये जनमत के आधार पर सरकार का निर्माण हो गया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जनमत को अपने पक्ष में किस आधार पर किया गया, ये आपने नहीं सोचा। आपको लगा फला पार्टी चुनाव में जीत गई। भाई, हम तो यहां वो बात ना करेंगे जो वास्तविक है, जो सैद्धांतिक आधार पर लोकतंत्र की अवधारणा या लोकतंत्र की जो परिभाषा है, मैं उसकी बात ना करूंगा। मैं यहां इसकी बात तो करूंगा नहीं कि व्यवहारता क्या हो रहा है। व्यवहारता की बात तो मैं लोकतंत्र के दोष में करूंगा ही करूंगा। जब मैं लोकतंत्र की अवधारणा के दोष गिनाऊंगा, तो वहां मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा क्या क्या कमियां। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हैं ना, तो कठिन से कठिन प्रश्न भी आप यूपीएससी का हल कर सकते हैं जो लोकतंत्र पर आएगा। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन गिना सकता हूं, ठीक है ना। पहले मैं एक फ्लो में लेक्चर दे दूं, क्वेश्चन भी लगातार गिनाता रहूंगा, लेकिन आजकल जो दार्शनिक निबंध भी आ जा रहे हैं ना, वो भी इसी से हल होंगे।
इसलिए कॉन्सेप्ट को आप बहुत बढ़िया से समझिए। तो लोकतंत्र का जो राजनीतिक स्वरूप है उसका यह कहना है कि लोग जो सरकार का निर्माण है और जो सरकार का संचालन है दोनों जनमत के आधार पर होगा, यानी जनमत के आधार पर सरकार का निर्माण हो और जनमत के आधार पर ही सरकार का संचालन होना चाहिए। यही राजनीतिक लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो यही बता रहा है। सामाजिक लोकतंत्र क्या कह रहा है? सामाजिक लोकतंत्र का कहना है, या सामाजिक लोकतंत्र का जो लोकतंत्र का सामाजिक जो स्वरूप है वो यह बता रहा है कि समाज में जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर समाज में कोई अतार्किक भेदभाव हो तो उसका समापन होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए। यानी सो सामाजिक लोकतंत्र तो तब स्थापित होगा जब लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव हो, लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव हो, इसके अलावा वर्ग के आधार पर भेदभाव का अभाव हो, इसके अलावा आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का अभाव हो, इसके अलावा जाति के आधार पर भेदभाव का अभाव हो, तब लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप स्थापित होगा, यानी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। लोग तो यहां जानने के और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया, बस खत्म करो, लोकतंत्र हो गया, 5 साल में चुनाव हुआ, पार्टी जीत गई, सरकार बन गया, लोकतंत्र स्थापित। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो तभी होगा जब लोकतंत्र के सभी समूह सभी स्वरूप समाहित होंगे। राजनीतिक लोकतंत्र मैंने बता दिया, सामाजिक लोकतंत्र में बता दिया भेदभाव, जो अतार्किक भेदभाव है उसका अभाव होना चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए। फिर आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र में सभी को जीविकोपार्जन की सुविधा होनी चाहिए, सभी को, ये नहीं कि कोई केवल सेवा ही करेगा बाकी लोग अर्जन करेंगे, नहीं नहीं, सबको अर्जन का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक अर्जन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार सबको मिलना चाहिए। किसी का किसी के माध्यम से, किसी समूह का किसी अन्य समूह के माध्यम से आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सबके पास एयर कंडीशन हो, कार हो, ऐसा नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पेयजल, स्वास्थ्य, दवा, ये न्यूनतम आवश्यकताएं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आर्थिक लोकतंत्र में सबका पूरा होना चाहिए। लोगों के बीच जो आर्थिक विषमताएं हैं वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो लोकतंत्र में आर्थिक विषमताएं अधिक नहीं है बल्कि आर्थिक विषमताओं का खाई है। कोई समाज के बहुत बड़ी जनसंख्या के प्रतिशत का अकेले आय लेकर बैठा हुआ है और किसी के पास इतना नहीं है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सके, ये तो आर्थिक विषमता। जैसे 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 एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो अवधारणा बढ़ती चली जा रही है, लोगों के बीच आर्थिक विषमताएं बढ़ती बढ़ती चली जा रही है। केवल विषमताएं ही नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक स्तर के बीच खाई है, कहां आर्थिक लोकतंत्र है? लोकतंत्र की अवधारणा यह मानती है कि कोई इतना धनी ना हो जाए कि किसी को खरीद ले और कोई इतना ना गरीब हो जाए कि अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी ना
यानी जब इन चीजों का अभाव हो जाएगा तभी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। कोई भूखा पेट न सोए, कोई शिक्षा से विहीन न हो, कोई बिना दवा के न मरे, किसी को अपने आप को बेचना ना पड़े, किसी को अपने सम्मान का सौदा ना करना पड़े धन के लिए। आपको लग रहा होगा मैं एक आर्थिक व्यवस्था, एक आदर्श व्यवस्था की बात कर रहा हूं। नहीं, ये आदर्श व्यवस्था नहीं है, असल में ये तो एक सामान्य व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था तो तब होगा जब मैं आपसे ये कहूं कि सभी के पास एयर कंडीशन हो, सभी के पास कार हो, सभी के पास बंगले हो, सभी के पास कई एकड़ खेत हो, सभी के पास हवेलियां हो। जब मैं ये बात करूं तब आदर्श व्यवस्था हो। हम तो ये कही नहीं रहे, हम तो कह रहे न्यूनतम आर्थिक अवस्थाएं सबकी पूरी हो। जब न्यूनतम आर्थिक अवस्थाएं पूरी होंगी आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। इसके अलावा नैतिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। नैतिक लोकतंत्र यह बात करता है कि सभी मनुष्य साध्य हैं, साध्य टारगेट, कोई साधन नहीं है, सभी मनुष्य साध्य हैं और सबका जीवन गरिमामय है, सबका आत्मसम्मान है। नैतिक लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की अवधारणा को चरम पर ले जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि साध्य और साधन क्या है। आपको मैं राजतंत्र में ले चलता हूं। राजतंत्र के जमाने में एक व्यक्ति राजा था और सभी लोग उसकी प्रजा थे। राज्य का प्रत्येक संसाधन केवल राजा के सुख सुविधा के लिए लगा हुआ था। पूरी प्रजा, राजा का पूरा खजाना, राजा के सारे कर्मचारी, राजा की पूरी सेना केवल एक व्यक्ति के हित और समृद्धि के लगा हुआ था। वो था राजा, सम्राट, बादशाह, सुल्तान। वो साध्य था और सारा राज्य जो है उसका उसके लिए साधन था। साध्य का मतलब जो टारगेट स्वयं टारगेट हो, जो लक्ष्य हो, जिसके लिए सब कुछ हो रहा हो। साधन का मतलब ये हो गया जिसका लक्ष्य कहीं और हो। जैसे आप छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना, तो सीढ़ी क्या हो गया, साधन हो गया। सीढ़ी लक्ष्य नहीं है, छत पर पहुंचना आपका लक्ष्य है। राजा छत था, सम्राट छत था, जनता प्रजा पूरे साधन सेना पूरा संसाधन साधन था राजा के। लोकतंत्र कह रहा नहीं, नैतिक लोकतंत्र की बात है कि जो प्रजा आप देख रहे हैं ना, ये साध्य है क्योंकि यह गरिमामय है, इसका अपना आत्मसम्मान है। आप इसको केवल वोट के रूप में नहीं देख सकते हैं। आज क्या हो रहा है, जाति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, भाषा के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और वोट पाकर सरकार बन जा रही है। तो जनता क्या हुआ, साध्य हुआ कि साधन हुआ? साधन तो सरकार हो गई, साध्य तो सरकार हो गया या साध्य तो सत्ता हो गया। जनता का वोट तो साधन हो गया, जनता का वोट क्या हो गया, साधन हो गया। जबकि नैतिक लोकतंत्र का नहीं, जनता साध्य है। यह समस्त प्रशासनिक व्यवस्था शासनिक व्यवस्था वो क्या है, साधन है जनता के सुखों के लिए। आप कैसे कह रहे हो कि वो साध्य है सत्ता? सत्ता जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, वो साध्य, वो साधन, वो साध्य बन गया, जनता साधन हो गई है। जनता किस चीज का साधन है, वोट की साधन है। सरकार के लिए बहुत सारे कार्यों को करने का साधन हो गई है। सरकार के निर्माण का साधन हो गई है। निर्माण कैसे हो रहा है इसका कोई इसका आप इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक, लेकिन नैतिक लोकतंत्र ये नहीं कह रहा, नैतिक लोकतंत्र नहीं, जनता साध्य है और समस्त शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, साधन है जनता के कल्याण के लिए, तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है? अब जब लोकतंत्र के सभी स्वरूप आपस में मिल जाते हैं, यानी राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, जब ये चारों अवधारणाएं आपस में मिल जाती हैं, तो इसको कहते हैं कंप्लीट डेमोक्रेसी। कंप्लीट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया संपूर्ण लोकतंत्र। अगर इनमें से कोई भी अवधारणा अनुपस्थित हो गया तो उसको लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं कहा जाएगा। अब आप बताइए कि लोकतंत्र की जो चारों स्वरूप की अवधारणाएं हैं किस लोकतंत्र में स्थापित है, किस लोकतंत्र में स्थापित। अब एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि केवल लोकतंत्र की राजनीतिक अवधारणा संपूर्ण लोकतंत्र को समाहित नहीं करता है, इसकी व्याख्या करिए, तब तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन जो लड़का लोकतंत्र को केवल राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में पढ़ा है, उसके लिए तो प्रश्न दिमाग से बाहर चला जाएगा। वही मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट बताना ही मूल उद्देश्य रह गया होगा, है क्योंकि फैक्ट तो मैं जान रहा हूं, आप बहुत जान रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, कहां से बताना मेन उद्देश्य है। अर्थात लोकतंत्र का चारों स्वरूप जब समाहित होता है तो इसको संपूर्ण लोकतंत्र कहते हैं, और ऐसी अवस्था में लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली नहीं रह जाती है, बल्कि जीवन प्रणाली बन जाती है, एक जीवन पद्धति बन जाती है, एक ऐसी पद्धति जिसमें लोकतांत्रिक मानवीय चिंतन भी होता है, लोगों का व्यवहार भी लोकतांत्रिक हो जाता है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाएं भी लोकतांत्रिक हो जाती हैं, समाज का संचालन भी लोकतांत्रिक रूप से होता है, समाज का और राजनीति का प्रत्येक पक्ष लोकतांत्रिक हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था न होकर बल्कि समाज का एक आदर्श मूल्य बन जाता है, समाज का एक जीवन प्रणाली बन जाता है, बल्कि एक सामाजिक प्रणाली या सामाजिक पद्धति बनकर रहता है, ठीक है ना। दिस इज कंप्लीट डेमोक्रेसी। और ये लोकतंत्र, लोकतंत्र का आज मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, एक एक बिंदु पर आप प्रश्न बना सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं विकास श्रीवास्तव एक नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।